नाजरीन आपको आगाह करे, वगन में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर महंगाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से वगन बाईपास मेन इंडस हाईवे पर धरना दिया गया। धरने में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमरुद्दीन गोपांग, मोहम्मद पहल सुमरू, सराय इरशाद अली लाकू, मुजीबुर रहमान भुट्टो, नयाज हुसैन लाकू, नादिर अली मोगेरी और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरने के शुरका का कहना था कि हम अपने कायद की कॉल पर लबैक कहते हैं और एहतजाज कर रहे हैं। शुरका ने कहा कि तब्दीली सरकार से आवाम बेजार हो चुकी है, तब्दीली सरकार ने महंगाई की इंतहा कर दी है। वफाकी हुकूमत आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा करके बम गिरा रही है। उन्होंने कहा कि आए रोज कोई ना कोई बहरान पैदा कर रही है, कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान, तो कभी किसी और अशिया खुर्दोनोश का बहरान। शुरका ने कहा कि इमरान नियाजी को हुकूमत करना ही नहीं आती, वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। बहुत जल्द आवाम इमरान नियाजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी और उस वक्त इमरान नियाजी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।